नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों ये देख सकते हैं रंगीन कपड़े पे इंक स्टेन है और ये देख सकते हैं वाइट कपड़े पे इंक स्टेन है। तो दोस्तों दोनों को भी हमने गारंटी दे दी है कि आपका दाग निकल जाएगा, मगर दोनों के निकालने के प्रोसीजर में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एक को टारगेट करेंगे और एक एक दाग निकालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी प्रोसीजर क्या करेंगे, इंक का दाग निकालने के लिए अगर वो रंगीन कपड़ा हो, कौन सा भी कपड़ा हो, तो प्रोसीजर क्या है, SCI और XL इनमें भी क्या करना है, पहले आपको SCI यूज़ करना है और वो भी बिगर कपड़ा गीला किए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि SCI स्टेन रिमूवर हम यहाँ पे लगा के देख रहे हैं। यहाँ पे हमने SCI स्टेन रिमूवर लगा दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिया। फिर हम लगाएंगे XL स्टेन रिमूवर, तो देख सकते हैं। और फिर हम इसको ब्रश करेंगे, तो जो नीचे के साइड में था वो पूरा निकल गया, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा निकल गया है। अभी हमें क्या करना है, जो बड़ा स्टेन है, बड़ा स्टेन इसको टारगेट करना है। तो फिर क्या है, फिर वही प्रोसीजर है, पहले SCI, ये SCI लगा दिया है हमने। अभी यूज़ करेंगे XL स्टेन रिमूवर, ये देख सकते हैं। और इसको थोड़ा बॉटल के टोक से भी रगड़ देना है, अभी टूथब्रश है तो चलेगा, ये देख सकते हैं। फिर XL लगा रहे हैं, ये लगाया XL और ये बॉटल के टोक से इस तरह से रगड़ देंगे। ये हम किस तरह से कर रहे हैं, बिगर कपड़ा गीला किए। हमें क्या करना है, पहले मेन ढेली जो है वो ख़त्म करना है, जो मेन ढेली होती है इंक की वो ख़त्म करना है हमें। फिर लगा देंगे SCI, ये देख सकते हैं। फिर SCI लगा दिया, फिर XL लगा देंगे, हमें मेन ढेली ख़त्म करना है, देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि मेन ढेली ख़त्म हो जाए, तो ये देख सकते हैं नीचे के साइड में किस तरह से इंक आ गया है। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको पानी में डिप करेंगे, ये पानी में थोड़ा घोल लेंगे। देख लीजिए इस तरह से इंक साफ किया, इसको साफ करते हैं। इसको हमने साफ कर लिया, फिर दोबारा प्रोसीजर यही करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। तो थोड़ा पार्ट बचा है, पहले मेन ढेली ख़त्म करना है हमें। ये अभी बॉटल के टोक से रगड़ रहे हैं जो पार्ट रहा है इसको, ये देख सकते हैं। पहले SCI XL करके मेन ढेली ख़त्म करने की कोशिश की, फिर दूसरे बारे में हमने फिर SCI XL किया। अब फिर पानी में हम इसको डिप करेंगे, फिर यहाँ पे लेके आएंगे हम इसको।
हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल निकल गया है। जो सफेद कपड़े का लॉट चलने वाला है उसमें डाल देंगे इसको। इससे क्या हो जाएगा, जो फैले वाला है वो भी बिल्कुल निकल जाएगा। ये देख सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो नीचे की साइट है, नीचे की साइट को तक रबिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जाड़ी ढीली होती है और नीचे तक आ जाता है इंक। तो इस तरह से करना है। ये देख सकते हैं हम किस तरह से कर रहे हैं। सफ़ेद कपड़ा हो या रंगीन कपड़ा हो, कच्चे कलर का कपड़ा हो, पक्के कलर का कपड़ा हो, हमें तो निकाल के देना ही पड़ता है। हम ऐसा नहीं कस्टमर को कह सकते कि ये कच्चे कलर का है, ये पक्के कलर का है, इस पे का निकल जाएगा, इस पे का नहीं निकल जाएगा। हम बस इतना कहेंगे कि आपका दाग निकल जाएगा और आपको इतना चार्ज लगेगा। ये सफ़ेद कपड़ा है, इसके लिए इसके ऊपर फ्लायर स्टेन रिमूवर यूज़ करेंगे। कपड़ा रंगीन है मगर सिंथेटिक टाइप का है, तो उसके ऊपर हम फ्लायर स्टेन रिमूवर यूज़ नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि हमने कस्टमर को गारंटी दे दी है कि आपका 100% निकल जाएगा। गारंटी दे दी है तो 100% निकल के ही देना पड़ेगा। ये आपको लाहियू दिखा दिया है, ये किस तरह से हम इसको निकाल रहे हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल निकल गया है, ये देख लीजिए 100% निकल गया है। अभी जो बचा है वो सिर्फ फैले वाला बचा है और वो भी बिल्कुल 100% निकल जाएगा। वो किस तरह से निकालेंगे, हम इसको जो सफ़ेद कपड़े का वॉश चलेगा उसमें डाल देंगे, ये बिल्कुल निकल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको रंगीन कपड़ा, जो वाइट कपड़े का जो होता है उसके ऊपर के जो दाग है वो निकालना है, और जो रंगीन कपड़ा है उसको किस तरह से करना है तो ये प्रोसीजर उसकी अलग होती है। तो उसी में क्या होगा कि इसका जो हमने ये जो स्टेन निकाला है, तो इसमें हमने क्या किया है, पहले SCI फिर XL इसी तरह से, और लास्ट में फ्लायर। बस रंगीन कपड़ों का भी इस तरह से करना है, SCI XL, मगर लास्ट में हम SCR80 यूज़ करेंगे, जो कि वीडियो हम वो भी लाइव वीडियो बनाएंगे जो आपके सामने रहेगा। आपका लॉन्ड्री का नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स।